हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रिटेल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं बात करने वाला हूं मेरे एक छोटे से अपग्रेड के बारे में। दोस्तों, 2017 का एंड आ चुका है और मुझे लगा कि मुझे और कुछ खरीदना नहीं होगा। काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स तो इस साल हमने खरीदे थे, काफ़ी सारे मुझे आए थे रिव्यू के लिए, काफ़ी सारे मैंने गिव अवे भी किए। और साल का एंड आया जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई पिछला लंदन का ट्रिप या फिर कुछ और ट्रिप्स में मैंने अपना जो लैपटॉप था, जो था मैकबुक एयर, इसको एक्चुअली मैं यूज़ नहीं कर पाया। सिर्फ मैं अपने मेल्स चेक कर पाता था और उसके अलावा कुछ नहीं। हालांकि अगर व्लॉग्स की बात करूँ तो लोग पूछते थे कि भाई अपने लंदन का व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, या फिर अब जब ट्रैवलिंग करते हो तब व्लॉग क्यों नहीं एडिट करते हो। तो प्रॉब्लम यही होता है कि इस छोटे से मशीन में आप एक्चुअली सिर्फ अपने मेल्स चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप फुल फ्लैश वीडियो एडिटिंग करें तो आप इसमें नहीं कर सकते। हाँ, कोशिश कर सकते हैं आई मूवी जैसे सॉफ्टवेयर में, लेकिन अगर आप फाइनल कट प्रो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने खरीद लिया है एक नया लैपटॉप और वो है ये वाला एप्पल मैकबुक प्रो रेटिना 15 इंचेस। और इसकी एमआरपी है 32,000 या 34,000 रुपये और फाइनली मुझे मिला है ये 1,90,000 रुपये में, एक्चुअली 1,91,000 रुपीज़ में। तो ये मैंने एक ऑफलाइन डीलर है हैदराबाद में, गांधी कंप्यूटर्स के नाम से, उनसे ख़रीदा है। और इसका बेस्ट फ़ायदा ये हुआ कि अगर आप बिजनेस चलाते हैं इंडिया के अंदर, अगर आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी एक बहुत बड़ा बेनिफिट, यहां पर मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा साइड में जा रहा हूं मैं, कि अगर आप अपना बिजनेस रजिस्टर्ड है जीएसटी के लिए तो आपको इसके अंदर जो जीएसटी का टैक्स लगा है वो आपको वापस से गवर्नमेंट से रिफंड मिल जाएगा। सो टेक्निकली ये लैपटॉप जो दुबई में बेस्ट प्राइस है 1,85,000 1,85,000 रुपीज़ में, इंडिया की इसकी जो बेस्ट प्राइस है ऑनलाइन अमेजोन या फिर पेटीएम पे 1,90,000 रुपीज़, मुझे ये एक्चुअल लैपटॉप पड़ रहा है 1,61,000 रुपीज़ पर। मतलब मुझे अभी इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे कहीं और से मंगवाने की ज़रूरत नहीं, इंडिया के अंदर ही मुझे बेस्ट प्राइस पे ये लैपटॉप मिल गया है। इनफैक्ट नॉट जस्ट लैपटॉप्स, आप कोई भी बिजनेस के लिए कंप्यूटर खरीदे, कुछ भी खरीदो, आपको बेनिफिट ये मिल जाता है। एनीवे, बैक टू द लैपटॉप, अगर हम बात करें इसके अनबॉक्सिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैकेज के अंदर बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच है। सिर्फ एक आपको 15 इंचेस का ये लैपटॉप मिल जाता है जो है स्पेस ग्रे एडिशन वाला, और उसके अलावा आपको मिल जाएगा एक स्टैंडर्ड माइक्रो यूएसबी टाइप सी वाला पावर अडैप्टर। हालांकि अगर आपके पास बहुत बढ़िया वाला पावर अडैप्टर है तो आप इसको किसी भी पावर अडैप्टर के साथ यूज कर सकते हैं और आप टाइप सी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों की, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं रीडिंग मैनुअल्स और एप्पल के स्टिकर्स जो आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं, अपने गाड़ी के ऊपर चिपका सकते हैं, अपने घर के ऊपर भी चिपका सकते हैं, कहीं भी दिखावा कर सकते हैं कि आप एप्पल के कंप्यूटर के ओनर हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर लैपटॉप की, तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इसके बारे में जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो है मेरा इनिशियल फीडबैक और मैं आपको एक छोटा सा रीजनिंग देना चाहता हूँ कि मैंने इसको क्यों खरीदा है। अगर मैं बात करूँ मेरे पिछले मैकबुक प्रो की, तो मैंने इसको खरीदा था 2012 में। ये वाला मैकबुक आई मैक मैंने खरीदा है 2013 में, और एप्पल के साथ मैंने ये देखा है कि जनरली आप जब भी कंप्यूटर खरीदते हो तो कम से कम 3 साल तो गारंटी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि 4 से 5 साल भी जा सकती है अगर आप उसको ज़्यादा ट्रैवल नहीं करोगे, उसको ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करोगे। सो टेक्निकली जो मैंने अभी नया कंप्यूटर खरीदा है मैकबुक प्रो, उसकी मैं एक्सपेक्टेशन करके चल रहा हूँ कि 4 साल तक तो ये आराम से चलेगा। मतलब टेक्निकली आई एम पेइंग 40,000 रुपीज़ अ ईयर फॉर लैपटॉप विथ 16 GB ऑफ रैम, 512 GB ऑफ स्टोरेज, 4 GB ऑफ डेडिकेटेड वीडियो रैम एंड द कोर i7 प्रोसेसर, 15.4 इंचेस रेटिना डिस्प्ले। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हार्डवेयर एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट आई गेट ए लार्जर बैटरी विच जिसका मतलब है कम से कम 6 से 7 घंटे तो फुल फ्लैश में इसको यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मुझे मिल रही है बहुत ही मेरा फेवरेट वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन जो है फाइनल कट प्रो। कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अब जब 2 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये दे रहे हो तो वाई डोंट यू बाई द विंडोज कंप्यूटर विच हैज़ द लाइक द एलियन वेयर या जो सब लैपटॉप्स, मुझे बिल्कुल वो सब समझ में नहीं आते हैं, विच इज़ द रीज़न आई गो फॉर एप्पल कंप्यूटर। आई लव आई मूवी, इफ आई वॉन्ट क्विकली कवर अ वीडियो, अगर मुझे बहुत ही फुल फ्लैश एडिटिंग करनी है तो आई गो फॉर द फाइनल कट प्रो सॉफ्टवेयर जिसका लाइसेंस मैंने ऑलरेडी खरीद के लिया हुआ है। तो अब मैं विंडोज़ में स्विच करके उन पैसों को वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर आपको पोर्ट 2 डेडिकेटेड स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसका बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की तो यहाँ पर आपको मिलता है रेटिना डिस्प्ले जो आउट ऑफ द क्लास है। दोस्तों, अगर आप एक बार मैकबुक प्रो रेटिना को यूज करोगे उसके बाद आप मान लो आप किसी और लैपटॉप को जनरली नहीं यूज कर पाओगे क्योंकि वो डिस्प्ले इतना क्रिस्प होता है कि आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा।
अब बात करते हैं थोड़े से कॉन्स की, क्योंकि पैसे तो एप्पल ने थोड़े ना दिए हैं, किसके बारे में अच्छा ही बोलो। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं क्यों एप्पल के लाइनअप को प्यार करता हूँ और मैं क्यों एप्पल आईफोन को हेट करता हूँ, वो तो आपने मेरे पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा। अगर हम कंप्यूटिंग की बात करें तो नो डाउट एप्पल इज द बेस्ट, विच इज वाई सर्फेस हैज बीन डाइंग। और मानो या ना मानो, माइक्रोसॉफ्ट कितना भी कर ले, सर्फेस इसको टक्कर नहीं दे पाता है। हाँ, अगर आप 1.5 लाख 2 लाख के लैपटॉप की बात करोगे सर्फेस की, तो दे सकता होगी, लेकिन मेरे रिक्वायरमेंट के लिए तो ये सेट नहीं होता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है, डोंगल्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो एसडी कार्ड है, जिसको कनेक्ट करने के लिए मैं जो एडाप्टर यूज करता हूं, मेरे आईमैक के अंदर डेडिकेटेड एसडी कार्ड एडाप्टर दिया हुआ है, लेकिन यहां पर एक एडाप्टर मुझे लगाना पड़ेगा इसके साथ, और जो मेरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होगा। तो मुझे अभी कहीं भी ट्रैवल करना है, तो बेसिकली इतनी चीज़ें तो मुझे लेके जानी पड़ेगी सिर्फ एक माइक्रो एसडी कार्ड या फिर एसडी कार्ड को इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा कुछ और कनेक्ट करना है तो एक और एडाप्टर। तो यहाँ पर मेरी लाइफ सिर्फ डोंगल 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 करती रह जाएगी और मैं एडिशनल पैसे खर्चा करते रहूँगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पहला डोंगल जो मेरे पास है वो है मो और मौज का, और यहाँ पर ये डोंगल, इसका प्राइस करीब 7 से 8 हज़ार रुपये है। ये 4K सपोर्टेड है, इसमें HDMI पोर्ट है, 2 माइक्रो USB पोर्ट है, एक टाइप सी का भी पोर्ट है, तो ओवरऑल सारी रिक्वायरमेंट इसी से एक से सेट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ एक्स्ट्रा डोंगल्स खरीदने पड़ेंगे, जैसे कि अगर मुझे इस लैपटॉप को इस iMac से कनेक्ट करना है और मुझे उस iMac को एक डिस्प्ले की तरह यूज करना है, तो एक और एडाप्टर, जिसका मैंने अभी कहीं से इंफॉर्मेशन लिया था, इनफैक्ट मो और मॉस से ही मैंने बात की थी कि भाई ये एडाप्टर आपके पास मिल सकता है। उनकी वेबसाइट पर मैंने देखा तो वहां पर उसकी कॉस्टिंग 4 से 5 हज़ार रुपये थी। तो मतलब पॉइंट ये है कि मतलब अब मैं एडाप्टर ही लेते रहूंगा और कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में। इसके बाद अगर हम बात करें इसके नए कीबोर्ड डिज़ाइन की, तो दोस्तों बहुत ही अलग टाइप का डिज़ाइन है, जो हालांकि अभी लॉन्च नहीं हुआ, 2 साल से लॉन्च किया, ये बटरफ्लाई मैकेनिज्म जो भी है, और ये थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है। अगर हम बात करें मेरे पुराने लैपटॉप की, तो इसमें बिल्कुल जनरली आवाज़ नहीं आती है, आप बहुत साइलेंटली काम कर सकते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, लेकिन आप अगर अपने नए लैपटॉप के ऊपर काम करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करता है और बहुत ही अलग टाइप की फीलिंग है। मतलब जो नॉन मैकेनिकल कीबोर्ड्स की होती से फीलिंग होती है, उस टाइप की फीलिंग है, जो मुझे एटलीस्ट पसंद नहीं है। लेकिन जब मैंने इतना खर्चा कर ही लिया है, तो मैं इतना कंप्लेन नहीं कर पाऊंगा और ऑब्वियसली इसको यूज़ करना या आदत बनानी पड़ेगी। लेकिन यार एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उस पर मेहनत कर ही लेते, ये नए टेक्नोलॉजी के नाम पर आप क्यों हमें वापस बकवास चीज़ें दे रहे हो। और इसके बाद लार्जर टच पैड, ये मुझे ट्रैक पैड जो है इसका, वो मुझे पसंद नहीं आया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना बड़ा कीबोर्ड है यहाँ पर नीचे, जितना कीबोर्ड है उतनी ही स्पेस इन्होंने नीचे ये ट्रैक पैड को दे दिए। ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए एटलीस्ट इश्यू है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब टाइप कर रहा हूँ तो बिल्कुल मेरा हाथ यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार मैं उसके ऊपर टच करते जा रहा हूँ। लेकिन ये थोड़े बहुत फीडबैक तो मुझे अभी इनिशियली लगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में डिटेल रिव्यू बनाऊं, तो मैं इसके बारे में बनाऊंगा आपको डिटेल रिव्यू। आप नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हो मुझे पूछ सकते हैं। ये है मेरा नया अपग्रेड 2017 के एंड होने से पहले। अगर आपको पसंद आया ये अपग्रेड, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको कोई भी सवाल उसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए। मैं हूं अमित और मैं मिलता हूं आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।